नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। आज बीजेपी के सदस्यता अभियान पर मंथन होगा। सदस्यता अभियान पर चर्चा को लेकर आज बैठक होनी है। बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव रहेंगे मौजूद। बैठक में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। सदस्य बनाने को लेकर तय किया जाएगा लक्ष्य। रायपुर से खबर है, आज बीजेपी के सदस्यता अभियान पर मंथन होगा। सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी और आज बैठक में होनी है बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश भर से 300 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सदस्य बनाने को लेकर लक्ष्य तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सदस्य अभियान की कार्यशाला हुई थी, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी थे। अब पूरे देश में सभी राजधानी में अभी सदस्यता अभियान का कार्यशाला आज और कल में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जिले की कार्यशाला होगी। हमका सबका लक्ष्य है कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्यता के अभियान के माध्यम से हर घर तक व्यक्ति पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे और सभी को सदस्य बनाए। और चलिए सिद्धू करेंगे, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, आज बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंथन होना है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में करीब 1 बजे से आज नव सदस्यता अभियान कार्यशाला का जो है आयोजन किया जाना है और इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अजय जमवाल, पवन साय समेत तमाम संगठन के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर से 300 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं आज के इस बैठक में वो है शामिल होंगे और करीब 3 बजे इस कार्यशाला का समापन सत्र जो है वो होगा। और इससे पहले भी जब 17 अगस्त को दिल्ली में इसको लेकर बैठक हुई थी तब उनको छत्तीसगढ़ को ये टारगेट दिया था कि इस बार 15 से 20 लाख जो नए सदस्य जो हैं वो जुड़े जाए और वर्तमान में अभी सदस्य की हम बात करें तो अभी करीब 31,42,000 कुछ सदस्य जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 15 से 20 लाख सदस्य बनाने का और जो है इनको टारगेट जो है वो दिया गया है। ऐसे में अगर 15 से 20 लाख का लक्ष्य जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरा कर लिया जाए तो इस बार सदस्यों की संख्या जो है वो 50 लाख के पार जो है वो पहुंच जाएगी। इसके साथ ही पहले भी बीजेपी के द्वारा जो है ना सदस्यता अभियान चलाया गया था 2014-2015 की हम बात करें तब पूरे देश भर में 11 करोड़ जो है सदस्य जो है वो बनकर निकले थे। इसके साथ ही इस बार भी 10 करोड़ का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके साथ ही आज की इस बैठक में पदाधिकारियों को नव सदस्यता अभियान को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही कई मायनों में इस बैठक को जो है अहम माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी जिसके बाद बीजेपी लगातार उत्साह में नजर आ रही है और आगामी नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी सदस्यता अभियान बीजेपी के द्वारा जो है वो चलाया गया था। ऐसे में इसे भी नगरीय निकाय चुनाव से भी जोड़कर जो है वो देखा जा सकता है और लगातार बीजेपी के द्वारा लोगों को जोड़ने की कवायद जो है वो जारी है और घर घर जाकर इस नव सदस्यता अभियान के तहत भाजपा जो है वो लोगों को जोड़ने का जो है वो प्रयास करेगी। इसके साथ पार्टी को मजबूर करने की कवायद बीजेपी में जो है वो चल रही है और घर घर जाकर इस नव सदस्यता अभियान के माध्यम से बीजेपी के केंद्र की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और पूरी तरह से किस तरह से बूथ लेवल तक निचले स्तर पर जाकर लोगों को जोड़ा जाए इस पर जो है आज मंथन जो है वो किया जाएगा और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा कार्यालय में जो है वो चर्चा जो है वो होनी है और उसके बाद 3 बजे समापन सत्र जो है कार्यशाला का वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए तनु। और इस तरीके से आज पूरे कार्यक्रम का आयोजन है और प्रमुख बैठक होगी। आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर से खबर है, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज हो रही खत्म। आज देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार न्यायालय में किया जाएगा पेश। पुलिस न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। देवेंद्र यादव की ओर से भी जमानत के लिए किया गया है आवेदन। बलौदाबाजार हिंसा मामले में शनिवार को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की हुई थी गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज हो रही खत्म। आज यादव को बलौदाबाजार न्यायालय में किया जाएगा पेश। पुलिस न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। देवेंद्र यादव की ओर से भी जमानत के लिए आवेदन किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में शनिवार को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कर ली गई थी और तब से लगातार कांग्रेस विरोध भी कर रही है और आज न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है।
और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड आज पूरी हो रही है और आज न्यायालय में पेश किया जाना है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदा बाजार में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में बलौदा बाजार पुलिस जो भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, उनको 17 अगस्त को गिरफ्तार करके बलौदा बाजार लाई थी, जिसके बाद उनको रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। 3 दिन की उनकी न्यायिक रिमांड थी, 17, 18, 19, 20, और आज 20 को उनकी न्यायिक रिमांड है वो खत्म हो रही है। लेकिन जो जानकारी के हिसाब से पता चले कि देवेंद्र यादव जो है वो अपनी जमानत के लिए न्यायालय में आज आएंगे, बलौदा बाजार कोर्ट आएंगे, और उधर बलौदा बाजार पुलिस इनकी जो न्यायिक रिमांड है उनको और बढ़ाने के लिए लगी हुई है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार पुलिस द्वारा वीडियो फुटेज और जो सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई थी हिंसा के दिन, उसी आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे और कौन कौन नहीं, इसी के चलते जो विधायक है भिलाई के देवेंद्र यादव, उनकी गिरफ्तारी बलौदा बाजार पुलिस ने की है। लेकिन देवेंद्र यादव की जब उस दिन गिरफ्तारी हुई तो रायपुर से, भिलाई से और अन्य जगहों से जो उनके समर्थक थे वह यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन कोर्ट के सामने चल रहा था, कोतवाली के सामने चल रहा था। बलौदा बाजार पुलिस द्वारा जब यहां पर उनको लाया गया तो पुलिस लाइन में लगभग 3 घंटे तक देवेंद्र यादव से पुलिस ने पूछताछ की थी, और इससे पहले भी लगातार जो देवेंद्र यादव है उनको पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेजा जा चुका था, और इसी के चलते जब और नोटिस उनको भेजा गया तो देवेंद्र यादव नहीं आ रहे थे। इसके बाद बलौदा बाजार पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले आई। हालांकि उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था वो लगातार जारी था, और आज भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो देवेंद्र यादव है वो आज बलौदा बाजार कोर्ट में पेश होंगे और इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि पुलिस पर पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं ना कहीं फिर कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लिहाजा अभी अपडेट सामने आए हैं कि बलौदा बाजार जब पहुंचेंगे देवेंद्र यादव तो अपनी जमानत के लिए वो याचिका अर्जी लगाएंगे, लेकिन बलौदा बाजार पुलिस उनकी जो न्यायिक रिमांड है वो बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले की को लेकर लगातार जो अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर होगी चर्चा, गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की रणनीति बनेगी, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम पार्टी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। 22 अगस्त को ईडी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस, 24 अगस्त को कांग्रेस करेगी जिला स्तरीय प्रदर्शन। बड़ी खबर रायपुर से है, रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर होगी चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजीवाल जुड़ गई। ममता, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो शामिल होंगे, और इसका जो प्रमुख एजेंडा यही है कि जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर प्रदेश भर में किस तरह के प्रदर्शन जो है वो किए जाए, इसके साथ ही आगे किस तरह की रणनीति होगी। कांग्रेस का कहना है कि लगातार इस मसले को लेकर वो न केवल सड़क पर उतरेंगे बल्कि जो सतामी समाज है उसके बीच में जाएंगे और ये बात रखेंगे कि किस तरीके से जो है समाज के साथ कोई खड़ा हुआ है उसको लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो अपराधी थे उनको नहीं पकड़ा गया। इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी आरोप है कि उस वक्त सनम जांगड़े जो है वो भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन उन पर और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और चुन चुनकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी हो रही है। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो पहले से जो एजेंडा तय है कि क्या क्या कैसे प्रदर्शन किया जाएगा वो तो है ही, इसके साथ ही जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें और भी तय किया जाएगा कि इस जो पूरे मसले को पूरे प्रदेश भर के साथ ही कांग्रेस का ऐसा कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी इस मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैतखम का मामला जुड़ा हुआ है और इस पूरे मसले को लेकर अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर में भी अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं जो है समाज की तरफ से आई है। तो कांग्रेस जो है पार्टी की तरफ से तो विरोध करना चाहती है, इसके साथ ही समाज को किस तरीके से साथ ले सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर ये इस पर जो है वो बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। और इस